लखनऊ में एक मैरिज हॉल में रोज रफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूद रोजेदार से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी आरिफ सफी ने कहा, रमजान रहमत बरकत और इबादत का महीना है जिसमें अल्लाह की किताब कुरान कंजुल होता है, हमारे जीवन के लिए जिंदगी का एक आईना और सही राह दिखाने वाली और जिसके असूल और नियम हमारी जिंदगी को असली मकसद से रूबरू कराते हैं। 2012 के बाद से कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ क्योंकि हमने 12 साल कहे तकरीबन, तो अगर आप ये कहें कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकालिए कब हुआ, तो ये है कि हम इसको करते आ रहे हैं, लेकिन एक कानूनी रूप से जो हमने इसको शक दी है वो तकरीबन 3-4 साल रमजान में, जैसे आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, आम लोगों के लिए अगर कोई काम है। देखिए, इस्लाम में रियाकारी बिल्कुल ममनू है। अगर हम किसी अपने भाई की मदद करेंगे भी तो हम उसको बताएंगे नहीं, लेकिन हम लोग चुनौती हैं, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सही साहब और ये हमारे मुमताज़ साहब हैं जो शहर अध्यक्ष हैं, ये लोग और हम खुद सब मिल करके एक टाउन करते हैं, लेकिन इसको हम बताते नहीं है कि हम कैसे करें। प्रदेश में कहाँ कहाँ आपका ये प्रदेश में जिला लेवल पर हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं, सीतापुर में है, लखीमपुर में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, से पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे वो देखते थे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिजनौर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा ही देख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा बॉम्बे में संगठन चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, हमारी अपनी संस्था के नाम से चल रहा है। इस संगठन का कोई मैसेज? बस आम मैसेज ये है संगठन के द्वारा कि आवाम मुल्क की खिदमत के लिए काम करें, और आज बहुत बड़ा हम अहम दौर से गुजर रहे हैं, वो दौर यह है कि जिस तरीके से हमने अंग्रेज़ों को स्कूल से भगाया था, वैसे ही फिरका परस्तों को हमें यहाँ से हटाना है, भाई को भाई से जोड़ना है, जिसको दिल से जोड़ना है, मोहब्बत के पैगाम को आम करना है।